शिशुदेव सर को। वेलकम दिनेश सर, आपका स्वागत है हमारे इस नेपाली मंच में। वेलकम दिनेश। थैंक यू विजय भाई, साथ में बाकी जितने भी पूनम मेहते जी, रमेश अधिकारी जी और दिलीप जी, मैं सभी सभी का धन्यवाद देता हूँ कि मुझे यहाँ आज डिस्कशन करने का मौका दिया, इन सारी चीजों पर बात रखने का मौका दिया। सर देखिए, अभी भी काफी लोग ऐसे हैं जो अलग अलग सेक्टर से हैं, खास करके एमएलएम सेक्टर वाले लोग अभी भी पुरानी धरे पर चल रहे हैं लगातार, और अभी भी लोगों को भड़का भी रहे हैं। जैसे आज ही एक कॉल आया, नाम किसी का भी नहीं लूंगा, लेकिन उनको एक लीडर थे और अच्छे खासे पहचान रखते हैं, उन्होंने बोला कि अरे ऑन पैसे तो 2024 तक लॉन्च ही नहीं होगा। और ये कहने का मकसद क्या है उनका, कि हम किसी और कॉन्सेप्ट को कर रहे हैं, आप हमारे साथ उसमें जुड़ जाइए। मतलब मानसिकता आज भी वही दोयम मानसिकता के साथ में जा रहे हैं, और वो इंस्टेंट कमीशन की आदत उनको जो पड़ चुकी है वो आज भी उसी की तरफ भाग रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि टीम्स नहीं है उनके पास में, अच्छी खासी टीम्स हैं, उसके बावजूद ये कर रहे हैं और बिग प्रूफ दिखाते हैं कि हमारे पास ऑन पैसिव में भी इतनी टीम है। अगर आप में ऑन पैसिव में इतनी टीम्स है तो सर आप ऑन पैसिव को इतने समय में समझ नहीं पाए, मुझे तो इस पर ही आश्चर्य होता है उन लोगों की मानसिकता पर। दूसरा ये कि वो इस पर भी सवाल करते हैं कि एस मोफाड़ा व्यक्ति है ही नहीं, मतलब वो चेहरा ही कोई और है। तो मैं आपके सेशन के माध्यम से मैं उन पर भी कटाक्ष कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के सवाल कुछ दिनों में आए हैं मेरे पास में, और बड़ा मुझे हंसी भी आती है इन इस तरह के लोगों की मानसिकता पर, कि जहां पर लगातार टूर मिल रहे हैं हैदराबाद ऑफिस वगैरह के, एस लगातार कन्वर्सेशन कर रहे हैं, बिग बाई बिग का नए अपडेट्स दे रहे हैं, मार्केटिंग कैंपेन चल रहा है, बुर्ज खलीफा जैसी विश्व की सबसे बहुमंजिला इमारत जो सबसे बड़ी है उस पर 2 फ्लोर अगर जिस कंपनी के हैं, फिर भी अगर प्रश्न चिन्ह लगे तो ऐसे व्यक्तियों की मानसिकता को हम भली भांति समझ सकते हैं कि वो किस तरीके से चीजों को सोच रहे हैं, या अभी तक भी उनकी मानसिकता में क्या घुला मिला हुआ है। तो ये सारे लोगों को आज ये समझना होगा कि जो भी वो एमएलएम या कोई भी ट्रेडिशनल वर्क करते रहे हो या जिस चीज से भी जुड़े रहे हो पहले, उन चीजों को भूलना पड़ेगा और अपने आप को थोड़ा सा ब्रॉड माइंडेड बनाना पड़ेगा। और चलिए मानते हैं कि आप एक्सपर्ट्स नहीं है, आप कॉर्पोरेट से नहीं है, आप टेक्नोलॉजी को नहीं समझते हो, आप मार्केटिंग को नहीं समझते हो, लेकिन जो समझते हैं उनको तो पूरा मौका दीजिए कि वो उन चीजों को बेहतर इनोवेशन के साथ में चीजों को लेके आ रहे हैं, बेल डिजाइनिंग के साथ में आ रहे हैं, प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटजी के साथ में आ रहे हैं। अब सोचिए कि ये सारी चीजें क्या अकेले हो सकती है क्या, कितनी सारी कंपनी इन्वॉल्व है ऑन पैसिव के साथ में। जब एस बार बार ये बोलते हैं या गुरसिमरन ढिल्लन जी इस बात को बोलते हैं कि आपको ऑन पैसिव का 10% भी नहीं पता है, ये 90% और भी कुछ है, हजारों हजारों गुना ये बहुत बड़ा है, तो लोग उसे भी हंसी में उड़ा जाते हैं। ऐसा उनको ऐसा लगता है कि ये सिर्फ ना बरगला रहे हैं हम लोगों को, जबकि बरगलाना नहीं है। पीछे देखिए ये उत्साह या ये जोश तब आता है किसी में जब वो एफर्ट्स लगाता है चीजों के साथ में, और एस की एफर्ट और हम लोगों की सभी की एफर्ट। और देखिए हम लोग ये कहते हैं, हम जब हम अपना बोलते हैं तो हम ये भी जानते हैं कि हम लोगों ने इंडिविजुअल और मतलब मैं कहूँ शारीरिक और मानसिक एफर्ट ज्यादा लगाए, और सोर्स ऑफ अर्निंग नहीं है तो डिमोरलाइज होना बनता है कुछ लोगों का, जो हो सकता है ये हर किसी के लाइफ में ये फेज कई बार आता है। इवन जब आप किसी चीज के साथ जुड़े हो तो अच्छा खासा जॉब भी होता है आपके पास, तो वहां पर कई बार आप डिमोरलाइज हो जाते हो। तो ऑन पैसिव ने तो अभी आपको जो भी एक्टिविटीज जो दिख रही हैं अभी इंस्टेंट, कुछ महीने जो जनवरी के बाद के रहे हैं वो बहुत बहुत बेहतरीन पल रहे हैं, और इसीलिए गुरसिमरन ढिल्लन एस मोफाड़ा जी बार बार कहते रहे हैं कि इंजॉय करिए इन मोमेंट्स को, क्योंकि ये कभी लाइफ में वापस नहीं आने वाले। आप सिर्फ ड्रीम्स उनको सोचोगे बस हर बार कि ऐसा ऐसा बोला गया था और हम बिलीव नहीं कर पाते थे, और फिर ये धीरे धीरे मतलब ये स्टोरीज हो रह जाएंगी हमारे पास में,
जिसे हम लाइफ टाइम हमारे बच्चों के साथ में, फैमिली मेंबर्स के साथ में, दोस्त यारों के साथ में, आप और हम आपस में इन चीजों को डिस्कशन करते रहेंगे लगातार कि यार हम लोग कितने नेगेटिव थे या हम कैसी कैसी बातें कर जाते थे कभी कभी, और एस स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे थे लगातार। वो एम्प्लॉय से भी लगातार सोचिए कितनी बड़ी बात है कि एक बंदा जो किसी से भी नहीं मिला पहली अभी तक, बोस्टन इवेंट के समय की चीजें देखें जहां पर सुसी ने पहली बार ओ स्टाफ की लॉन्चिंग के समय उनसे मुलाकात हुई, या फिर अभी जब 30 तारीख वाला जो बोस्टन इवेंट हुआ जहां पर पहली बार एस मुफारा और जूली चार्ल्स ओसोंग गुसमिंदर ढिल्लन, तो अगर लोग ये कहते हैं कि गुसमिंदर ढिल्लन नाम के कोई शख्सियत नहीं है, एस मुफारा नाम की कोई शख्सियत नहीं है, भाई और कैसे दिखेगा जब दो बंदे आपस में गले मिल रहे हैं जिनको हम वर्चुअली सुनते आ रहे हैं, वो फेस टू फेस मिल रहे हैं। ठीक है, अब अगर लोग बोले कि चलिए गुसमिंदर ढिल्लन नहीं है, चलिए एक बार आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन जो चंडीगढ़ में आके यहाँ पर इंडिया में हम लोगों के बीच में आते हैं, जावेद जावेरी या फिर अनूप गावंडे जी के साथ में हैदराबाद विजिट में जाते हैं, तो उन कैसे बिलीव ना करें कि वो बंदे नहीं है। जो चेहरे हम हैदराबाद ऑफिस में देखते हैं उनसे हम डायरेक्ट रूबरू होके मिल के आते हैं, फिर हम बिलीव कैसे नहीं कर सकते। तो बिलीव के अगर ना मतलब किसी पर भरोसा ना करने के रीजन होते हैं तो भरोसा करने के भी रीजन होते हैं। तो मेरे पास, विजय भाई के पास और हम जितने भी लोग हैं उनके पास बहुत सारे बिलीव करने के रीजन ज्यादा है और ना बिलीव करने के बहुत कम। तो आप चीजों को समझना होगा। दूसरी बात ये कि स्टेप बाय स्टेप जो चीजें हो रही हैं, जैसे कि 30 मार्च से जो मार्केटिंग कैंपेन जो स्टार्ट हुआ, तो मैं एक लास्ट एक सेशन में भी आपके साथ में इस पर मैंने डिस्कशन किया था कि ये जो प्रोसेस था पिछला एक डेढ़ साल से हम सुन रहे थे कि कुछ होने वाला है, मार्केटिंग कैंपेन होगा, तब हमें लगता था कि बातें बहुत हो रही हैं, चीजें नहीं हो रही हैं, लेकिन उसके रिजल्ट जब हमें वो सलीफा के रूप में मिला तो हमें समझ में आ गया कि एस अगर किसी भी चीज की तैयारी करते हैं तो बड़ी शिद्दत से करते हैं और उनके पीछे जो एफर्ट्स होती है वो मतलब मैं कहूँ बियॉन्ड द केन होती है, मतलब बुद्धि से परे, जैसे हम नहीं परख सकते वो उन चीजों को करते हैं। तो जब ये चीजें कर रहे हैं वो प्रॉपर, तो उसके बाद में सोचिए अगर आज अगर लोग, अब एक सवाल नया आने लगा है कि एस दुबई पर जो इवेंट हो रहे थे वो कैसे रुक गए, तो एस ने बाकायदा बताया कि यूएई के जो राष्ट्रपति हैं उनकी डेथ हुई है और उसकी वजह से हमने उनके सम्मान में इनकी इवेंट्स को कुछ इवेंट्स को रोक दिया गया है कुछ समय के लिए। तो फर्क नहीं पड़ता है, या 15 वाला इंडिया का इवेंट हो तो उसका रीजन सबको पता है कि किस वजह से वो रोका गया, और वो बहुत जरूरी था क्योंकि ऐसे ही चाहते थे कि मार्केट में कुछ कंपनी के बारे में नेगेटिव व्यूज जाए, क्योंकि जब कंपनी अगर मनी वहां पर स्पेंड करना चाह रही थी पूरे इवेंट के लिए और इवेंट को ज्यादा बेहतर बनाने के लिए फाउंडर वहां पर मनी कलेक्शन करके उसको ज्यादा बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब गलती तो नहीं थी दोनों की, लेकिन मार्केट से अगर एक भी बंदा उठ के ये बोल देता ना कि एस ने पैसा लिया है या कंपनी ने पैसा लिया है तो ये मैसेज बहुत बुरा जाता, और इसी मैसेज से बचने के लिए एस ने सीधा सीधा बोल दिया था पहली बार में ही इवेंट से पहले ही कि हम लोगों को मार्केट से एक रुपए भी नहीं लेना है, ओ ब्लेस के नाम पर नहीं लेना है, क्योंकि हमने ये भी देखा कि ओ ब्लेस के नाम पर पैसा लिया गया और इंडिया में काफी इवेंट भी हुए और एस ने सीधा सीधा बोला कि ओ ब्लेस को आप आज क्यों प्रमोट कर रहे हो, आपसे अभी हमने सिर्फ आपसे दो फीस लेना है, एक $97 एक जो भी प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन फीस होगा वो ही देना है, तो उसके अलावा हमें कुछ चाहिए नहीं है और जो भी देना है वो ऑन पैसे खुद करेगा। अगर ओ ब्लेस से कुछ भी होना किसी के लिए तो आपके सजेशन आएंगे और उसके अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ेंगे उस समय, और पहले अर्निंग तो आए, जब तक अर्निंग नहीं आएगा तो आप खर्चे कैसे कर रहे हो, क्योंकि समस्याएं सभी के साथ में है, मेरे साथ भी हो सकती हैं, बाकी सभी के साथ में हो सकता है, मुझसे भी ज्यादा समस्याएं कुछ और लोगों के पास होगी, शायद वो लाखों लोग हो सकते हैं जिनके साथ वो समस्याएं ज्यादा बड़ी होंगी। तो जैसे हमारे बीच में कबीराज जी थे, उनकी तबीयत काफी बीच में बहुत बिगड़ी रही थी, तो ऐसी भी कंडीशंस के लोग हैं जो फिर भी डेडिकेशन के साथ में हमारे साथ जुड़े रहे हैं, तो
यही एक ऐसी चीज है जिसने एंटरप्रेन्योरशिप को बड़ा बनाया, क्योंकि ड्रीम्स तो कोई भी देख सकता है खुली या बंद आंखों से, लेकिन उसे पूरा करने के लिए जितनी एफर्ट देना पड़ती है उनमें इतने लोगों का साथ मिलना सच में आश्चर्य है। और मेरे पास में तो कुछ प्रॉपर चीजें भी होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग लीडर्स आप लोगों के साथ में भी होते हैं, के साथ जुड़े रहते हैं, तो इन्फॉर्मेशन आती रहती है, लेकिन इन्फॉर्मेशन का सोर्स ऐसे ही रहे तो ज्यादा अच्छा है और वही ज्यादा बेहतर है सभी के लिए। पर इतना है कि जो हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, और जिस उम्मीद से हम इसके इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े थे हम उसके बहुत ज्यादा करीब है। और जहां तक बात है एनडीए की, जैसे अभी रिसेंट एक इशू आ रहा है कि एनडीए में लोगों ने बहुत गलतियां की हैं। कैसी गलतियां? इस तरह की है कि किसी ने सिग्नेचर ही नहीं किए हैं और सिग्नेचर की जगह सिर्फ डॉट या फिर लाइन बना दिया या क्रॉस बना के छोड़ दिया। तो एस ने बोला है कि बहुत कम केसेस हैं जिनके केस में एनडीए सिग्नेचर प्रॉपर नहीं है, पर सभी के नहीं है। तो उन्होंने फिर भी जैसा मार्टिन ने 3-4 दिन पहले बोला है कि होपफुली मंडे को एस शायद 24 घंटे का टाइम देंगे, मतलब ये पक्का नहीं है, एस अगर इसको परमिट करते हैं तो 24 आवर का टाइम मिलेगा और फिर हम एग्रीमेंट में वापस से रीसाइन कर पाएंगे मतलब हमारे एनडीए को। अगर ये नहीं भी होता है तो हम सपोर्ट की मदद से इसको कर पाएंगे, पर ये होना चाहिए। दूसरा ये है क्योंकि उन्होंने ये बोला है कि जब हम onpassive.com पर शिफ्ट होंगे और अगर आपका एनडीए प्रॉपर नहीं होगा तो फिर आपको मैं ये कह सकता हूँ कि फुल स्टॉप लग जाएगा, आप आगे की जो जर्नी है onpassive के साथ में कहीं ना कहीं उसमें रुकावट आ सकती है। तो ऐसी गलतियां ना करें जिसकी वजह से हमें इतने अच्छे विजन के साथ में जो हमारी लाइफस्टाइल को बेहतर करने वाला है, हमारी जीवन में खुशहाली लाने वाला है, और उन चीज़ों से हम चूक जाएं। तो हमें प्रॉपर वे में जाना पड़ेगा, जो भी गाइडलाइन आ रही है उनके अकॉर्डिंग जाना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि जब ये एनडीए वाली चीज़ें हैं उसी के अलावा ये जो फाउंडरशिप क्लोजिंग को लेके भी काफ़ी ना लोगों में जुनून है कि अब ये हो जाना चाहिए। तो एस ने खुद भी बोला है कि फाउंडरशिप हम बहुत जल्द क्लोज करने वाले हैं, और सुंदर पाजी ने बोला है कि एस शायद मंडे को डेडलाइन भी दे देंगे। अगर ये डेडलाइन आ जाती है तो हम सभी के लिए ये बहुत बड़ी खुशनसीबी होगी, और बहुत जल्द हम ये पूरे पार्ट को कंप्लीट करके एक नए फेज में जाएंगे, और शायद हमें बड़े मतलब बड़े लेवल पर हमें कमर्शियल प्रोडक्ट को मार्केट में यूज करते हुए देखेंगे लोगों को। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो डाटा सेंटर हो चाहे प्रोडक्ट्स हो, एस बोल चुके हैं कि ये डाटा सेंटर भी रेडी है, और बताना नहीं जरूरी है कि सभी के लिए, क्योंकि आपने देखा खासकर मैं इंडिया के मामले में बोलता हूँ कि जितना पॉजिटिव है इंडिया में उससे ज़्यादा कुछ चंद लोग ऐसे भी हैं जो नेगेटिव बहुत ज़्यादा हैं, और वो नेगेटिव इसलिए हैं क्योंकि वो उस नेगेटिव सोर्स से ही अर्निंग करना चाहते हैं, और इसी के लिए वो चीज़ों को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं, और उसके रिजल्ट ये होते हैं। क्योंकि हमारे जो फाउंडर भाई है ना, तो वो संख्या ही इतनी बड़ी है कि किसी को ना किस जो भी वो एक वीडियो बना देता है उससे वो अच्छा खासा अर्निंग जुटा लेता है, तो उनका मोराल वहाँ पर हाई है कि वो इंस्टेंट मनी को सोच रहे हैं और लगातार 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 वीडियो बनाते जा रहे हैं। और एस ने इस पर भी बोला बाकायदा कि सबको रैंकिंग दी जा रही है, अगर कोई हेट स्पीच दे रहा है उसके लिए भी रैंकिंग तैयार की जा रही है, उनके लिए उनके जो वीडियो कंटेंट है उनको रिकॉर्ड रखा जा रहा है प्रॉपर, और साइबर सिक्योरिटी के तहत जो भी उनके लिए उनके ऊपर केसेस किए जा सकते हैं वो एस आगे जाके या कंपनी करने वाली है। तो एस नहीं चाहते हैं कि कोई बहाना बना पाए, तो अगर प्रॉपर प्रूफ होंगे तो कार्रवाई भी प्रॉपर होगी, और तब उन्हें पता पड़ जाएगी कि onpassive कितना लीगल था और वो कितना गलत जा रहे थे, और शायद तब पछताने के लिए भी उनके पास समय नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। जहाँ तक से मार्केटिंग की बात है तो एस एक्सपर्ट्स हैं उसके, और मैं बहुत करीब हूँ मार्केटिंग के, तो मैं जानता हूँ कि एस जिस वे में जा रहे हैं वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ अपने सेशंस में कि फिलिप कॉटलर जो मार्केटिंग के गुरु हैं, एस ने उनकी पद्धति को बदल दिया है, जो भी तरीके हैं मार्केटिंग के, इन सारे
तरीकों के विपरीत चल रहे हैं, वो जस्ट अपोजिट वर्किंग कर रहे हैं। तो इसके रिजल्ट हैं वो भी हमें बहुत बेहतर मिले हैं। अभी हम 13 लाख से भी ज्यादा हैं, और सोचिएगा कि हम जब मार्केट में होंगे तो हम कितने बड़े मतलब विशाल और विकराल रूप धारण करेंगे ऑन पैसिव के साथ में, क्योंकि हर बंदा एक एक फाउंडर यहाँ पर आया है, तो उसके लिए जिसने भी पहले प्रयास किया होगा उसके करीब 100 लोगों से कहीं ना कहीं कांटेक्ट भी किया होगा, और वो 10 लोगों ने में से 9 लोगों ने कम से कम नकारा भी होगा, और जब उन्होंने नकारा होगा तो मैं इसको ना इस जो नकारा गया है इसको मैं निगेटिव नहीं लेता हूँ, मैं सोचता हूँ ये बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि मैं जो मैसेज देने वाला था वो मैसेज उन तक कम से कम गया। बिलीव किया नहीं किया फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बिलीव अगर ना करने के उनके पास का कुछ रीजन होंगे, उनके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ होगा, पर बिलीव करवाने के रीजन हमारे पास आने वाले हैं। ये मार्केटिंग कैंपेन एक पार्ट, इसने बहुत ज्यादा बिलीव लोगों में जगाया है, और जैसे ही फाउंडरशिप क्लोज होगा मार्केट में एडवर्टीजमेंट प्रॉपर वे में इंडिया में और वर्ल्ड वाइड चलने लग जाएगा, तो ये सारे लोग वापस हम ही लोगों से मिलने वाले हैं, क्योंकि हमसे बेहतर ऑन पैसिव को कोई नहीं जानता है, और इसीलिए ये हमारे ही पास आने वाले हैं। तो नंबर ऑफ स्ट्रेंथ जो हम इंडिविजुअल लेवल पर है वो भी हमारा ग्रोथ करेगा, और ये एस जिस वे में जा रहे हैं वो प्रॉपर एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है जिसे हर कोई इतनी आसानी से नहीं समझ सकता, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कहा कि ये काम आपके लिए शायद इसके मतलब मैं कहूँ कि आप ज्ञाता नहीं हो उस चीज के, पर एस इस चीज को ज्यादा बेहतर करना जानते हैं और उनके पास प्रॉपर टीम भी है इसके लिए, तो उन्हें उनके हिस्से का काम करने दीजिए। हम जो बेहतर कर सकते हैं हम वो ऑन पैसिव के लिए कर रहे हैं, अगर हमें मार्केटिंग के तरीके अगर आते हैं तो हम उनको भी यूज कर रहे हैं, हम मैन टू मैन अगर कन्वर्सेशन कर सकते हैं हम वो कर रहे हैं, हम सोशल मीडिया का प्रॉपर अगर यूज करना जानते हैं तो हम वो कर रहे हैं, और एस सभी को रैंकिंग दे रहे हैं। कोई भी फाउंडर हो उनकी जितनी भी एफर्ट्स हैं एस को पता है कि वो क्या कर रहे हैं, तो प्रॉपर एक टीम है, अगर हम कुछ भी गलत बोल रहे हैं वो उसको भी वॉच कर रहे हैं, और अगर हम जो एफर्ट्स कर रहे हैं वो उसे भी वॉच कर रहे हैं, तो ये इसीलिए मैं बोलता हूँ कि एस इसीलिए हर बार थैंक यू बोलते हैं कि ये जो ड्रीम था ये कभी भी फुलफिल नहीं होता अगर हम सभी के इतने बड़े प्रयास नहीं हो इसमें जुड़े नहीं होते। तो मैं इतना ही बोलना चाहूंगा क्योंकि चीजें बहुत है बोलने के लिए, और सर ये सेशन बहुत ज्यादा छोटा पड़ जाएगा क्योंकि ऑन पैसिव पर बहुत ज्यादा बोला जा सकता है। थैंक यू, थैंक यू सो मच दिनेश सर। सच में ऑन पैसिव इतना टफ और ह्यूज है, अभी देखिए बहुत सारे लोगों को आज भी ऑन पैसिव के बारे में पता नहीं, लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिनको ऑन पैसिव के बारे में उन्होंने सुना है लेकिन फिर भी ऑन पैसिव की जो एक खासियत है उसको समझ नहीं पा रहे, और जो कि समझ नहीं पा रहे तो ऑन पैसिव को वो लोग एक्सेप्ट भी नहीं कर पाए, तो इसलिए ऑन पैसिव को हमने एक ब्लेसिंग के रूप में लिया है। तो ब्लेसिंग हर किसी को ऐसे ही नहीं मिलती है, तो ब्लेसिंग मिलने के लिए भी खास होना जरूरी होता है ऐसा लगता है ऑन पैसिव में आने की बात देखे, क्योंकि ऑन पैसिव इतना टफ और ह्यूज है हर किसी को समझ में भी नहीं आता है, और जो ट्रस्ट की बात की है आपने जो रीजन ट्रस्ट करने के लिए भी आपने कहा कि ट्रस्ट करने के लिए भी एक रीजन चाहिए, लेकिन जहाँ तक सिर्फ एक साल पहले की बात किया जाए तो ट्रस्ट हमारे पास ऐसे कई रीजन थे ट्रस्ट ना करने के लिए, लेकिन फिर भी हमने किया क्योंकि डेफिनेटली हमें वो ब्लेसिंग मिलना था। जो इतना वंडरफुल प्लेटफॉर्म जो इंट्रोड्यूस किया है एशर ने वो हमारे लाइफ में आना था, हमें एक्सेप्ट करना था, इसलिए हमने ट्रस्ट भी किया, और आज उसी का एंड नाउ यू सी इट्स सो फ्रूटफुल दैट आज भी अगर इंसान ऑन पैसिव को ट्रस्ट नहीं करता है तो फिर डेफिनेटली ब्लेसिंग है ही नहीं उन लोगों के बाग में, क्योंकि आजकल जो आज जो इवेंट इतना इवेंट हो रहा है एक के बाद एक जो इवेंट हो रहे हैं वो भी एक ट्रस्ट करने का एक माध्यम है।
ट्रस्ट करने की आज बहुत 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 सारे रीजन से, यूट्यूब के इतने वीडियोस, ऑन पैसिव के इतने सारे इवेंट्स, मार्केटिंग कैंपेन जिस तरीके से एशर ने ऑन पैसिव का जो मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट किया है, जिस तरीके से लॉन्च किया है उन्होंने दुबई में और भी बहुत सारे कंट्रीज में वो करने ही वाले हैं, तो इन सबको देख के आजकल सोशल मीडिया में इतना मीन्स इंसान का इन्फ्लुएंस तो बढ़ गया है, लेकिन फिर भी ऑन पैसिव को समझ नहीं पा रहे हैं वो लोग, और ट्रस्ट करने के लिए आज तो बहुत सारे रीजंस है ऑन पैसिव को ट्रस्ट करने के लिए, बट स्टिल देर आर मेनी पीपल हु आर बीइंग अनेबल टू ट्रस्ट ऑन पैसिव, सो वी मस्ट काउंट देम इन द लिस्ट ऑफ अनलकी. सो दिनेश सर, थैंक यू सो मच फॉर योर वंडरफुल वर्ड्स. आपके समय के लिए भी बहुत धन्यवाद, आपने हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया और हमारे वेबिनार को ज्वाइन किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका. और विजय सर. यस सर, यस मैम, ओके, थैंक यू, धन्यवाद, और धन्यवाद करूंगा हमारे दिनेश सर का. और जैसे ही आप सभी को पता है कि जो हमारा आज का संडे का सेशन रहता है, एक डिस्कशन सेशन और साथ ही हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है, जिसमें आपके छोटे मोटे सवाल हो सकता है आपके लिए बड़े हो, लेकिन जो कंटिन्यू बैठे हुए हैं या जानकार हैं जैसे हमारे बिजनेस सर है, उनके लिए वो कोई सवाल या कोई वो प्रॉब्लम मायने नहीं रखता, क्योंकि उनको सारा चीज पता है. तो यहाँ पे कई ऐसे फाउंडर है, तो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, जो फाउंडर बन के बैठे हुए हैं, वैसे सिस्टम भी बोलता है और ऑन पेज भी बोलता है, और बार बार यही कहा जाता है कि आप यहाँ पर सिर्फ फाउंडरशिप लेके बैठे रहे, और सिस्टम क्या करेगा, आपके लिए भी अपने काम करेगा, लेकिन सिस्टम तो अपने आप तरफ से काम करेगा, बट आप अपने आईडी को तो ओपन कीजिए, कहाँ पे क्या चीज आता है, कहाँ पे मेरा प्रोफाइल है, कहाँ पे मेरा एनडी है, कहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट है, कहाँ पे मैंने सिग्नेचर करना है, वो चीज थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए. कहां से मैंने अपना मेल निकालना है, कहां पर मेरा, और अगर मैं अपडेट करना चाहूं कि मैं अपना नाम चेंज कर सकता हूं, या मैं अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकता हूं, पासवर्ड चेंज कर सकता हूं, कंट्री चेंज कर सकता हूं, या मेरा कौन सा लिंक मैंने निकालना है, 49 लिंक निकालना है कि 50 निकालना है, कि रजिस्ट्रेशन लिंक निकालना है, इन्वाइटी लिंक निकालना है, वो चीज थोड़ा सा जानकारी ले सकते हैं. आप अपडेट में जाइए कि क्या अपडेट आ रखा है, वहां आप लैंग्वेज चेंज करके भी वो अपडेट को पढ़ सकते हैं. कभी भी जब भी हमारे एसर आते हैं राउंड टेबल वेबिनार में, उसका अपडेट नेक्स्ट डे, क्योंकि हमारे तो नाइट हो जाता है, तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग 8 बजे से लेके 10 बजे तक वहां पे हमारे जो टॉप लीडर्स है, एलसी मेंबर हो रहे हैं, वो पूरा अपडेट वो इंग्लिश में डालते हैं, आप उसको हिंदी में कन्वर्ट करके देख सकते हैं. तो ऐसे ही कई सारे सवाल है या कई सारे वर्क है जो आप धीरे 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 सीख सकते हैं वहां पे. अगर नहीं सीख सकते, नहीं आता, तो अपने स्पॉन्सर से मिलिए कि सर मेरा ये प्रॉब्लम है, ये चीज मैं कहां देखूं. क्यों, स्पॉन्सर जो होता है मेन, आपका एक तरफ से मैं कहता हूँ गुरु है, तो गुरु है तो गुरु को हमेशा पकड़ना चाहिए कि सर मेरा जो ये चीज था, मेरा ये चीज प्रॉब्लम आ रहा है, या मैंने किसी को ज्वाइन करना है, या किसी को मैं किस तरह से बताऊं, या अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि एक बोलते हैं अगर मैं किसी को अपॉर्चुनिटी देता हूँ तो मुझे थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि वो एक अनभिज्ञ है, नया शिक्षक है. तो ऑन पेसिव को सही शिक्षा देना हमारा कर्तव्य है, लेकिन बट हमारी मेंटली कहाँ चली गई थी, वो नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बनाने, लेकिन वो हमने शिक्षा गलत दी, तो उसी के कारण अभी माइंड अपसेट हो रहा है कई लोगों का. तो माइंड अपसेट को अपने माइंड से हटाइए, उसको दूसरा सेटअप में डालिएगा, क्योंकि अब जो आने वाला है उसमें जितने भी फाउंडर है, थोड़ा सा गर्म क्यों हो जाइए, क्योंकि जो चीज आपको नहीं पता वो अपने स्पॉन्सर से पूछिए,
स्पॉन्सर ने इससे नहीं पूछ सकते, स्पॉन्सर कहीं और है, बिजी है, तो आप वेबिनार में आइए। दिन में कम से कम 4-5 वेबिनार इंडियन के चलते रहते हैं, जो कि इसमें ना तो मुझे कोई इनकम मिलता है, ना तो वेबिनार करने वाले को कोई इनकम मिलता है। बट ये क्या है, एक बिजनेस है, बिजनेस स्ट्रेटजी को अच्छी तरह से हम समझाते हैं, तो उसी क्रम में हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो अगर यहाँ पे जितने भी हैं पार्टिसिपेंट, अगर उनका कोई सवाल है, कोई सुझाव है, कोई जवाब है, अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो अपना हैंड राइज करके अपने सवाल को रख सकते हैं। हमारे साथ दिनेश सर भी हैं, अभी अगर गेस्ट स्पीकर अभी तक जुड़े नहीं है, शायद वह अपने पर्सनल वर्क में बिजी होंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी आप अपना हैंड राइज करके अपने सवाल रख सकते हैं। ओके, आई जस्ट सॉ मिस्टर जिनेदीन अहमद फ्रॉम अल्जीरिया। सर, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड कीप योर शेयरिंग्स। आई होप आई प्रोनाउंस्ड योर नेम परफेक्ट। मिस्टर जिनेदीन अहमद फ्रॉम अल्जीरिया। उहाँले भर्खरै ह्यान्ड रेज गर्नुभएको थियो। ओके, अगर यहाँ जितने भी पार्टिसिपेन्ट्स है, अगर आप लोग में अगर कोई क्वेरीज है, कोई क्वेश्चन्स है अभी भी ऑन पैसिव को लेके, तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे बहुत सारे फाउंडर्स लीडर्स हैं, दिनेश सर है, आपको जरूर आपके सवालों का आंसर मिलेगा। तो इफ यू हैव एनी क्वेरीज यू मे रेज योर हैंड। टिल देन थैंक यू मैडम। चलो यहाँ पे अभी विक्रम सुवेदी सर ने अपना हैंड राइज किया है, तो हैंड राइज करने से विक्रम सर को बुलाने से पहले मैं दिनेश सर से एक डिस्कशन ही करना चाहूंगा कि देखो हम किस बेस पे चले हुए हैं, हमारा माइंड कहाँ जाता है, लीगल है कि नहीं है, क्या ये मेरे कंट्री में लीगल है, इससे मैं पैसा निकाल सकता हूँ कि नहीं निकाल सकता। तो यहाँ पर एक छोटा सा और बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं देने वाला हूँ जितने भी यहाँ हमारे पार्टिसिपेंट है। क्या अगर आपने अपना आईडी ओपन करके लीडरशिप बोर्ड में अगर आपने चेक किया होगा, वहां पे अभी मेरे तरफ से मैं सीधा बोलता हूँ कि अभी नंबर वन बांग्लादेश जा रहा है। वहां के कई लीडर इतने टॉप में पहुंच चुके हैं जो कि जस्टिस सर से भी आगे पहुंच चुके हैं। तो इसमें दिनेश सर से अनुरोध करूंगा कि प्लीज इसमें दो शब्द हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट को उनके इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें और थोड़ा सा मोटिवेट करें कि क्या चीज है, क्यों हम इतना पीछे डरते हैं लेकिन बांग्लादेश वाले डर नहीं रहे। सर देखिए, बहुत अच्छे सवाल है विजय भाई, और शायद हमारा कल इस पर कन्वर्सेशन भी हुआ था थोड़ा सा। तो देखिए, बांग्लादेश से जब शुरुआत हुई थी तो महफूज भाई ना सबसे पहले वहां पर आगे आए थे, और तब महफूज जी को भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो उन्होंने बहुत ज्यादा हेल्प लिया इंडियन लीडर्स का और लगातार सेशंस लिए। और एक बार जब उनको चीजें समझ में आने लगी, जब तो आप देख रहे होंगे कि लीडरशिप बोर्ड में कुछ नामी गिरामी नाम थे जो इंटरनेशनल लीडर्स के या फिर इंडियन लीडर्स के थे, वो लगातार नजर आ रहे थे। लेकिन हमने देखा कि जो आज से करीब 6 महीने पहले करीब टोटल जो कैपेसिटी थी फाउंडर्स की करीब 500 की थी, वहां से वो जस्ट अगले 6 महीने के अंदर जब से ये एक्टिविटीज बढ़ी है वो कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। आप देखोगे वहाँ 500-700 आइडिया एक एक बंदे की हो गई है वहाँ की, डायरेक्ट लगा रखी। इतना इंडिया में भी नहीं कि डायरेक्ट किसी का इतना ज्यादा कन्वर्सन रेशियो रहा हो जितना वहां पर बढ़ा है। तो मैं उनकी एफर्ट्स को मतलब हेड्स अप करता हूँ कि वो इतने डेडिकेशन से काम कर रहे हैं, आम पब्लिक तक अपने आप को बेहतर तरीके से ले गए हैं। ऑन पैसे को जिस वे में उन तक पहुंचाना था उन्होंने शायद बहुत ज्यादा बेहतर उसको पहुंचाया है, क्योंकि हमारे यहाँ पर ये कमी है कि हमारे पर चीजों को इग्नोरेंस ज्यादा किया जाता है, मतलब उसको बस नजरअंदाज कर देना किसी चीज को,
और पुरानी कहानियों को गढ़ते रहना और उन्हीं को समझाते रहना, जबकि सेल्फ बिलीव नहीं है, खुद में भी नहीं है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्योंकि वो चीजों को देखते हैं, परखते हैं और वेट करते हैं कि पहले इसका अगर इसके साथ में कुछ बेहतर होता है तब हम जाके उसके साथ में जुड़ेंगे। लेकिन बांग्लादेश इसीलिए मुझे ज्यादा बेहतर लगा कि उन्होंने जिस ढंग से अपने आप को पूरा रोल यहाँ पर दिखाया है, वो हमें भी खुद में भी हम लोगों को इम्प्रूव करने का मौका देता है कि हमें भी और ज्यादा बेहतर करना चाहिए था। तो मुझे तो ये लगता है कि इतने कम समय में, क्योंकि हम काफी लंबे समय से जुड़े रहे, और जैसे अभी जैसे नेपाली सेशन है और मैं यहाँ पर देखता हूँ कि लगातार जो स्ट्रेंथ है वो 50-100 के बीच में ही लगातार रही है। और इसका कारण मुझे विजय भाई ने भी बताया कि यहाँ पर आईडी एक्टिवेशन का भी बहुत ज्यादा इश्यू यहाँ पर और भूटान वगैरह में बहुत रहा है, जबकि उनके लिए एक अलग सिस्टम तैयार किया है इसमें, जब उनको लगा कि वहां से प्रॉपर लोग अच्छे जुड़ रहे हैं, अच्छे लेवल पर स्ट्रेंथ जुड़ रही है, तो एस ने वहाँ सपोर्ट किया। इवन वहां पर बांग्लादेश में 2 फ्लोर का बिल्डिंग भी तैयार हो रहा है और ऑलमोस्ट डन हो चुका है, बहुत जल्दी इनॉग्रेशन भी उसका होगा, ये भी मुझे बिलीव है, क्योंकि एस ने बोला था ये सारी चीज जैसी होती है तो वहां पर भी कुछ ना कुछ होने वाला है। तो सोचिए कि इसलिए ये बिलीव जगाता है, जब आपकी कंट्री के अंदर अगर किसी चीज की ऑफिस वगैरह है तो इंडिया में लोगों की आदत है कि चीजों को देखने जाते हैं। अगर आज भी अगर हम बोल देना अगर किसी के हैदराबाद में ऑफिस है तो बंदे देखने के लिए हैदराबाद पहुंच जाते हैं, मतलब उन्हें हम पर भरोसा नहीं है। मतलब ये इसीलिए मैंने एक शब्द का प्रयोग किया कि सेल्फ बिलीव भी नहीं, खुद पर भी बिलीव नहीं है, वो देख रहे हैं लेकिन बिलीव नहीं करते हैं, वो गूगल सर्च कर रहे हैं, गूगल मैप पर देख लेते हैं उसको, फिर भी बिलीव नहीं करते हैं। और इतने लीडर्स हैं उन पर बिलीव नहीं करते हैं, तो वो खुद जाके देखते हैं और तब उनको बिलीव होता है कि वाकई में वो चीजें हैं। और इन सारी चीजों का ये रिजल्ट मैं बार बार इसीलिए कहता हूँ कि रिजल्ट तब आने वाले हैं जब एडवर्टीजमेंट प्रॉपर वे में कंपनी करने वाला है, और कंपनी तो सीधे सीधे बोल चुका है कि टोटल 16 मंथ मार्केटिंग कैंपेन लंबा जाने वाला है। और एस जो एक बात पूरम जी ने बोला था कि ब्लेसिंग है ऑन पैसे, तो मैं उसको आगे बढ़ाऊ उसमें बोलना चाहूंगा कि बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि एस ने एस कई बार कहते हैं कि ऐसा बोला जाता है कि ना क्यों ना ऑन पैसे में सारे लोग आ जाए, तो हर कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि हर हर किसी पर वो इतना बिलीव ही नहीं खुद पर भी, और जिनको बिलीव है वो ऑन पैसे के अंदर है। और जैसे पहले भी टेक्नोलॉजी आई है, इनोवेशन आते रहे हैं और लोगों ने उनको पहले नकारा ही है, और जब सबने उसको यूज किया है तब पीछे से उन्होंने भी उसके साथ में हो लिए हैं। तो ऐसे ही ऑन पैसे के साथ होने वाला है कि लोग बाद में जुड़ते चले जाएंगे और फिर कोसेंगे भी खुद को, और ये इसी ढंग से चलता जाएगा। जैसे एक बार एस ने बोला कि ना एक समय ऐसा आएगा कि और सभी लोग जब ऑन पैसे में होंगे तो पायलट कौन होंगे, उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि पायलट कौन होंगे, तो एस बोलते कि ये बात पक्का है कि सभी लोग फाउंडर नहीं बन पाएंगे, क्योंकि सब इतने किस्मत वाले नहीं होंगे, ऑन पैसे सबकी नजरों के सामने से गुजरेगा लेकिन हर कोई उसको पर बिलीव नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने उस चीज पर बोला था कि पायलट भी होंगे, और अगर पायलट नहीं भी हो तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा और वो हमें मतलब ये बोल सकते हैं कि ड्राइवरलेस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करेंगे, और फिर हमें फ्लाइट के लिए भी शायद आने वाली समय में पायलट की आवश्यकता नहीं होने वाली है, ड्राइवर की आवश्यकता नहीं होने वाली है। तो बहुत सारी चीजें होने वाली हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बदल रहा है लगातार। तो अभी भी अगर हम इस बदलाव को नहीं अगर परख पाएंगे तो ये मैं यही कहूंगा कि हम अपने आप को धोखे में रख रहे हैं। यस सर एकदम जो इंडिया का बोलते ना, इंडिया या अदर लोगों का भी यही होता है, जो दिखता है वही बिकता है। तो अपने पे विश्वास सबसे पहले होना चाहिए कि अगर दूसरा बोल रहा है तो ऐसे तो हवा में नहीं बोलेगा। और जैसे अभी मार्केटिंग